आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहार के चर्चित आईपीएस और पूरे राज्य में सिंघम के नाम से मशहूर पुलिस अधिकारी शिवदीप वामन राव लांडे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अभी हाल ही में शिवदीप लांडे को पूर्णिया कमिश्नरी का नया आईजी नियुक्त किया गया था, जिसके बाद से उन्होंने वहाँ चार्ज भी संभाल लिया था। चार जिलों में नशे के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने वाले अधिकारी हैं शिवदीप लांडे, और अचानक अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज के जरिए उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया था। उसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि शिवदीप लांडे ने ऐसा क्यों किया, हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है। इस बीच शिवदीप लांडे ने बड़ा खुलासा किया और इस्तीफे की असली वजह बता दी है। आईपीएस से त्याग पत्र देने वाले शिवदीप लांडे ने एक बार फिर से दोहराया कि वो बिहार में ही अपनी कर्म भूमि बनाएंगे। वहीं उनके इस फैसले को पत्नी गौरी ने भी समर्थन दिया। अपनी पत्नी गौरी को त्याग का उदाहरण बताते हुए शिवदीप लांडे ने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश लिखा है। इसमें उन्होंने बिहार में रहने वाले उनके फैसलों को पत्नी गौरी से मिले समर्थन को लेकर अपना आभार भी जताया। शिवदीप लांडे ने लिखा है, त्याग ये शायद किताबों में पढ़ने में अच्छा लगता है या फिर दूसरों को प्रवचन देने में, लेकिन गौरी ये तुम्हारा त्याग ही है जिसकी वजह से मैंने भारतीय पुलिस सेवा से त्याग पत्र देने और बिहार में अपना अगला समय बिताने का निर्णय लिया। तुम्हारा मेरे इस निर्णय के प्रति समर्पण, अर्हा के साथ खुद के दायित्व संभालने की जिम्मेदारी लेना और मेरे बिहार के प्रति संवेदना को समझना, इनमें आगे कुछ कहने के लिए शब्द नहीं ढूंढ सकता हूं, और गौरी तुमको जन्मदिन की शुभकामनाएं। अभी हाल ही में नीतीश सरकार ने शिवदीप लांडे का पूर्णिया कमिश्नरी में ट्रांसफर कर उन्हें आईजी नियुक्त कर दिया था और सीमांचल में स्मैक जैसे नशे को खत्म करने का अहम जिम्मा उन्हें सौंपा गया था। वहां ज्वाइनिंग के बाद शिवदीप लांडे एक्शन में भी नजर आए थे और वो पूर्णिया कमिश्नरी में आने वाले चारों जिले जैसे कि पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज में नशे के तस्करों के खिलाफ कार्रवाई में जुटे हुए थे, लेकिन इसी बीच उनके इस्तीफे की खबर आती है। आपको बता दें कि शिवदीप लांडे का बचपन बेहद ही चुनौतीपूर्ण स्थिति और गरीबी में बीता था। प्रतिभाशाली शिवदीप लांडे ने स्कॉलरशिप के जरिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी और उसके बाद यूपीएससी टॉपर भी बने। उन्हें बिहार कैडर मिला था और वो 18 साल से बतौर आईपीएस नौकरी भी कर रहे थे, लेकिन इसी बीच उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस्तीफा मंजूर नहीं है, लेकिन उन सभी खबरों के बीच में त्याग वाली जो उनकी पोस्ट है वो अब सामने आई है और माना जा रहा है कि बिहार में कुछ नया करना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। बहरहाल आपको क्या लगता है, शिवदीप लांडे का इस्तीफा देना बिहार के लिए कितना नुकसानदेह साबित होगा, और अगर उन्होंने दिया है तो क्या बिहार को फायदा होगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बिहार।